गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय सियाराम जी, राधे कृष्णा जी, सबको कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, घर पे सभी ठीक हैं। और हिमाचल का मौसम आजकल बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। तो आज के व्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं एक अच्छे से सुविचार के, बहुत ही मोटिवेशनल है। तो हमारा रास्ता जो है वो तय करता है कि हमारी मंजिल कैसी होगी। जी हाँ, अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं और लगातार हम उस पे चलते हैं बिना रुके, मेहनत करते हुए, तो एक ना एक दिन जो है हमें वो उसका फल अवश्य मिलता है, हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमारी मंजिल कोई अनवांटेड ना हो। जैसे कि अगर मतलब मेरी इच्छा है कि मैं भाई इस उम्र में अब डॉक्टर बनूँ, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब चलो पॉसिबल शायद हो जाए, लेकिन बहुत 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 मुश्किल है, जिसको बोलते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ से आज मेरे एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है, वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। जी हाँ, आज से एक नया सफ़र शुरू होने वाला है मेरा। और प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटा सा व्लॉग है, कोई बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है। और मैं आपके साथ ना हमेशा इस तरह के व्लॉग्स जो है वो शेयर करती रहती हूँ। और विलेज लाइफ व्लॉग्स, कुकिंग व्लॉग आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, डेली व्लॉग्स, और साथ ही साथ में आप लोगों को ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है कि एक सिंपल से गांव में रहने वाली हाउसवाइफ, जिसके पास घर में पशुओं का, घास का, बच्चों का काम है, वो किस तरह से बाहर के काम जो हैं उनको भी हैंडल कर सकती है। मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती तो है, थकान भी होती है, लेकिन फिर कुछ अगर करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और अपने लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई नहीं आएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कर रही हूँ कपड़ों पर प्रेस। मैंने अभी कौशल का काम कर लिया है, पानी पिया, चाय पी, और मुझे जाना था घास को। लेकिन मेरी प्यारी बिटिया रानी ने रात को होमवर्क पूरा नहीं किया था, तो उसने बोला कि मम्मा जब तक मैं यहाँ होमवर्क कर रही हूँ तब तक आप यहीं बैठो मेरे पास। तो मैंने उसे कहा कि मैं उतनी देरी में प्रेस कर लेती हूँ। तो वो होमवर्क कर रही थी, एक चीज़ का रहता था उसके करने को, तो मैंने साथ ही साथ में यहाँ पे प्रेस कर लिया। तो वैसे तो मैं हमेशा प्रेस कपड़ों पे पहले से करके रखती हूँ, लेकिन कई बार ये हो जाता है ना बाई चांस कि कोई सूट हमें ऐसा पहनना होता है कि जिस पर प्रेस नहीं होती। तो आज वीरवार था ना, तो मुझे पीला सूट पहनना था, पीले रंग के सूट पे प्रेस नहीं थी। जी हाँ, ये 5 अक्टूबर 2023 और वीरवार का व्लॉग है। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का मेरा सूट है, इस पे मैं प्रेस कर रही हूँ। अभी इस पे प्रेस करूँगी और उसके बाद मुझे जाना है घास को, क्योंकि आज से मैंने कहा ना आपको कि मेरा 6-7 दिन के लिए एक नया सफ़र जो है वो शुरुआत हो रही है। एक नए सफ़र की ओर हम जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो आप प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और अगर आप लोग लाइक कर देते हैं ना, तो बहुत दिल से खुशी होती है सच में। और जब आप लोग प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे अपने फैमिली मेम्बर हैं, वो मेरे साथ बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। कई बार होता है ना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ घर के कामों में, कई बार मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, उनको दिल से मानती भी हूँ। और यहाँ पर घास लेकर मैं घर की ओर जा रही हूँ। जी हाँ, मैंने ना कुछ पिछले दिन शाम को काट के रखा हुआ था घास से, और कुछ मैंने 4-5 पूरे अभी फिर काटे, तो मुझे पता था कि मुझे सुबह जाना है, तो मैंने एडवांस में पहले ही काट कर रखा हुआ था शाम को, और कुछ मैंने अभी काट के रख दिए, ये शाम के लिए फिर से हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, घर में आके फटाफट से तैयार हुई, 8:10 हो चुके थे जब मैं घर पहुँची घास लेकर, और 8:30 देखिए हम निकल भी चुके हैं घर से। तो सार्थक को भी तैयार किया, नैना नहा दी थी इसके पापा ने, और नैना को भी ड्रेस वगैरह पहनाई, खुद भी तैयार हुई, खाना खाया, और हम आ रहे हैं अभी सोलन की ओर। तो दिखाऊंगी आपको कि हम कहाँ गए भाई, दिखाऊंगी पूरे व्लॉग में। आज का व्लॉग जो है वो मैंने थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि पहले ये होता है ना कि पूछना पड़ता है, मतलब मैं पूछ नहीं पा रही थी वहाँ पे कि मैम मैं यहाँ पे व्लॉग जो है बना सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ, तो मैंने थोड़ा ही बनाया था। तो आज तो इनॉग्रेशन था यहाँ पर, हम आए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, 6 दिन की हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का टाइम है 9:30 से 5 बजे तक। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी मेरी तरह ही यहाँ पे लेडीज़ आई हुई हैं,
ये SHG ग्रुप की जो लेडीज़ होती हैं वो हैं, तो यहाँ पे समय समय पे सरकार जो है ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाती रहती हैं लेडीज़ को, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और साथ ही में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमारी छुट्टी हो गई थी, शाम के टाइम हम वापस आ रहे थे। आज के दिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो हमने वहाँ जमा करवाए, और उन्होंने हमें बताया कि का क्या क्या यहाँ पे होगा, कैसे कैसे होगा। इतनी गंदी जाती है वो। तो फ्रेंड्स, अभी घर पहुंची और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, लेकिन काम जो है वो तो करना ही पड़ेगा। अभी मैंने ले ली दराटी, अभी घास को जाना है, फिर काउशर का काम होगा, फिर घर का काम होगा, बच्चों को होमवर्क वगैरह सब कुछ करवाना है। अभी मैं दराटी जो है उसको पहने कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे पत्थर पे तो अंधेरा हो जाएगा, अभी तो 5:30 हो चुके हैं। चलो जो भी 5-6-7 पूड़े जितने भी कटेंगे ना उतने ले आऊँगी। कुछ जो है हमने पहले थोड़ा सा काटा हुआ था खेत का घास ना, वो सूखा करके रखा हुआ है, तो कुछ वो डाल लेंगे, हो जाएगा उससे। और बच्चों को अभी मैंने चाय रोटी जो है वो खाने को दी हुई है। चलिए मैं दराटी जो है उसको तेज़ कर लेती हूँ। मेरे बच्चे हम कहाँ है? रोग में हाँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ खेत में, जहाँ मुझे काटना है घास। नहीं बच्चे, साथ तक मनो। तो क्योंकि हाउस वाइफ है, गृहिणी है, गांव में रहते हैं, तो कहीं भी जाना होता है ना, जो अपने घर का काम होता है वो तो हमें निपटाना ही होता है। सोलन से आई थक हार के, 5:45 बजे घर पहुंची, उसके बाद बच्चों को खाना दिया, मतलब चाय रोटी वगैरह खाते हैं ना, तो मम्मा मम्मा करके, मम्मा भूख लगी है वो दिया, और उसके बाद 5:30 बजे मैं निकल गई घास के लिए। अभी यहाँ घास काट लिया देखिए मैंने, और धैर्य भी आ गया था यहाँ लेने के लिए, जिसको मैंने बुलाया था लेने के लिए। और आज का मेरा व्लॉग जो है ना, बस उस काइंड में यही कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत थक चुकी थी, मैं नहीं और कुछ भी कैप्चर कर पा रही थी, तो आज मैंने आपके साथ यही शेयर किया। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ भी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल या फिर एंटरटेनिंग कुछ भी लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। और बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस, रेसिपीज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और बस अभी फ़िलहाल आज का व्लॉग इतना ही है। अभी मैंने घास यहाँ पे जो काट लिया है ये देखिए आपको दिखा रही हूँ, अभी ले जाने के लिए भी और सुबह के लिए भी मैंने 5-6 पूले काट लिए थे यहाँ पे, जो अभी काटे वो सुबह ले जाऊँगी, और फिर सुबह वाले शाम को काम आएंगे। तो पूरा दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा थकान वाला रहा, और हमें दिखाया भी गया वहाँ पे बहुत कुछ, मैं उसको अभी देख रही थी यहाँ पे नोटबुक में, और बहुत 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 जिसको बोलते हैं ना थकान, और बस अब यही सारी बातें जो थी ना। तो हमें ज़िंदगी में ना हमेशा एक ही चीज़ को लेकर नहीं बढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो सीखने के लिए हैं, तो सीखनी चाहिए। बस अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी इसको। तो चलिए आज के व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ, मिलूँगी आपसे कल एक और नई सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, और भगवान का नाम लेते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय सियाराम।